राम, अब तो ये मुझे भी निकाल दो। सारी तैयारियां हो चुकी, कल से काम शुरू। अच्छा, कितने दिन लगेंगे सुरंग बनाने को? काट दिया। सुरंग बनाने को ये कोई 6-7 दिन में काम हो जाए। सुरंग निकाल कहां से रहे हो? बैरिक नंबर 9 के बराबर से। कहीं जेलर को पता ना चल जाए। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। आओ। बस हो गया। साहब। आओ हरिराम, क्या खबर लाए हो? साहब होशियार रहिए, जेल में सुरंग बनने वाली है। आओ, जेल में सुरंग? क्या कहा, हमारी जेल में सुरंग? यहाँ कैदी जेल में सुरंग बना रहे। हम अंग्रेज के जमाने के जेलर भाई। हमारी जेल में सुरंग? पिस्तौल यहाँ है, जरा भी हिलने की कोशिश की तो चले गए। चलो अपने दफ्तर। चलू कैसे, तुम लोगों ने हिलने को मना किया है। पहला ऑर्डर कैंसिल। चार
अंग्रेजों के जमाने के जेलर और इतनी घबराहट। पहले हिफाजत से हमें गेट तक छोड़ कर आओ। दरवाजा खुलवाओ। जी सर। दरवाजा खोलो। यस सर। ये रही चाबी, ये रहा पिस्तौल। आज मैंने कुछ सोचा है। कभी कभी ये काम भी करना चाहिए। आज मैंने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। मैं बताऊं तेरा बहुत बड़ा फैसला? तू बसंती से शादी करना चाहता है। अरे वाह वाह वाह, तू मेरा सच्चा यार है। एक यार ही यार के दिल की बात जान सकता है। और वो यार ये भी जानता है कि इस साल में शादी का ये तेरा 8वां फैसला है। ये फाइनल है यार। फाइनल? सुबह से दारू पी रहा ना यार। पार्टनर, मेरा एक काम कर दे। क्या? वो बसंती है ना, उसकी मौसी के पास जाकर मेरे रिश्ते की बात कुछ इस ढंग से कर कि मौसी शगुन लेके आ जाए। मैं क्यों करूं? अरे लड़के वाले ही तो जाते हैं लड़की वालों के घर। चाहे, और फिर इस दुनिया में तेरे सिवा मेरा है कौन? देख, शादी तूने करनी, तू जाके बात कर। जरा सोच, शादी के बाद एक घर होगा। घर तो तेरा होगा। एक बीवी होगी। तेरी होगी। 7-8 बच्चे होंगे। तेरे होंगे। पर चाचा चाचा तो तुम्हें बोलेंगे ना। प्यार से तुम्हारी गोद में खेलेंगे, तुम्हारे कंधों पे झूला झूलेंगे और तोतली जबान में बोलेंगे, ताता ताता हमको कहानियां सुनाओ। यानी शादी के बाद तेरे घर में मुझे आया की नौकरी मिलने वाली। समझा, तू मेरा दोस्त नहीं है। लानत ऐसी तो। इसीलिए अकड़ रहा है ना कि मेरा ये काम तेरे बगैर दूसरा कोई नहीं कर सकता। आज मेरी माँ होती तो मेरी कब की शादी हो चुकी होती, मेरे छोटे छोटे बाल बच्चे होते। आज मेरा बाप होता तो बैंड बाजे के साथ मेरी शादी करके लाता। मेरे भाई बहन होते वो मौसी के पैर छूकर भी बसंती की शादी मुझसे करवा देते। लेकिन ये मत भूल जाए, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। भगवान, तू वो दोस्त नहीं रहा। तू नहीं चाहता मैं बुरे धंधे छोड़कर घर गृहस्थी बसा सकूं। मैंने तुझे क्या समझा था जय, लेकिन तू क्या निकला? साला नौटंकी, खड़ी खड़ी ड्रामा करता है। चल बस बहुत हो गया है, मैं मौसी जाके बात कर लूंगा। सच? इमाम साहब सलाम, ये खत है आपका, लीजिए। जबलपुर से ही आया होगा। अरे गुलजारी लाल, जरा पढ़ भी देते। जी पढ़े देते। अरे मेरा चश्मा इसी जेब में तो था। इधर है। वो जो आप ढूंढ रहे हैं वो हमारे पास है, ये लीजिए। आ गई बक्कन। वो हुआ ऐसा कि हम उधर से आ रहे थे और आप इधर से जा रहे थे। इधर आप साइकिल पर थे और हम उधर पैदल। आप तो साइकिल पर निकल गए और वहीं के वहीं हमको ये चश्मा मिला। और वहीं के वहीं हमने सोचा ये कि ये चश्मा आपका है। देखने वाली बात ये कि ये चश्मा तो आप ही का निकला, यूं कि। अच्छा अच्छा, अब जरा मुंह को आराम दे तो मैं ये खत सुन लूं। तेरी मिसाल बाद में सुनेंगे। हाँ हाँ, मैंने कब मना किया। हाँ गुलजारी लाल। जनाब भाई साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। बा सलाम, आपको खबर मिले कि यहाँ सब खैरियत है और सब आपकी खैरियत अल्लाह ताला से नेक चाहते। दीगर अहवाल ये है कि अहमद मियाँ की नौकरी पक्की करा दी गई है। तनख्वाह 200 रुपये हो गई है। रहने खाने पीने के लिए तो गरीब खाना मौजूद है। अच्छा है, मामू की निगरानी में रहेगा। हाँ अच्छा है, हम भी यही चाहते हैं। इस मामले में देर करना मुनासिब नहीं होगा, इसलिए थोड़े को बहुत और खत को तार समझें। अहमद मियाँ को जल्द अज जल्द रवाना कर दें। बाकी खैरियत है, घर में सब सलाम कहते हैं। फकत आपका
मुकैतुल्ला जी, आने दो अहमद को, अब नहीं सुनूंगा उसकी। ये तो आपने ठीक बात की, लेकिन आने क्या दे, वो तो आया हुआ है। देखो अब्बा, मैं जाने वाला नहीं हूँ। यूँ की ये तो वही मिसाल हो गई। अरे भाई अजीब बेवकूफ है ये लड़का। ए मियां, मैं तो अब कब्र में पांव लटकाए बैठा हूँ तुम्हारे सामने सारी जिंदगी, कब तक मेरे दामन से बंधे बैठे रहोगे? और फिर ऐसी नौकरी रोज रोज नहीं मिलती है भाई। बच्चू, इमाम साहब बात ठीक कह रहे हैं। हाँ हाँ, हमने तो यहाँ तक सुना है कि बड़े से बड़े शहर जैसे मुरादाबाद हुआ, मेरठ हुआ, वहाँ भी लोग नौकरी के लिए मंदिर तक। अरे मंदिर क्यों, क्या हुआ? वो हुआ ऐसा कि हम निकले थे घर से मंदिर जाने, और देखा तो इनका चश्मा मिल गया। इनके चश्मे को पाते ही हम भूल गए कि हमें जाना कहाँ है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि अब हमें याद आ चुका है।